रहमन रहें सबसे पहले हम एक नज़र ऑडिटिंग के तारीखी पज मसर पर डालते हैं लफ्ज़ ऑडिटिंग लेटिन जुबान के लफ्स ऑडियर से निकला है ऑडियर का माने है सुनना टू हेयर जैसे ऑडिटोरियम जहाँ आप प्रोग्राम सुनने के लिए जाते हैं या ऑडियो टेप जिससे आप आवाज़ या म्यूज़िक सुनते हैं होता यूँ था कि जहाँ भी शराकत दारी कारोबार होता था यहाँ तजारती काफिले दूर दराज इलाकों में जाते थे ये रोमन अम्पायर की बात है तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग तो कम होते थे चंद मखसूस लोग इस काबिल थे कि वो हिसाब किताब रख सकते न जब भी शरारती कारोबार का कोई मरहला मुकम्मल होता या तजारती काफिले वापस आते तो इन हिसाब किताब रखने वालों से कहा जाता था कि वो अपना हिसाब किताब एक गैर जानबदार और ईमानदार शख्स के सामने पढ़ के सुनाएं अब वो गैर जानबदार शख्स इन चीज़ों को सुनता था और फिर अपना फैसला शादर करता था कि ये हिसाब किताब ठीक है या नहीं है वो गैर जानदार शख्स जो ये जो ये अकाउंट सुनता था बाद में ऑडिट पर कहला है तो ऑडिट का पस मंज़र ये है किसी के हिसाब किताब देखना और उसके बारे में राय देना कि वो हिसाब किताब ठीक है कि नहीं है अब हम आते हैं ऑडिटिंग की तारीफ की तरफ अब ऑडिटिंग और ऑडिट दो अलग अलग असलाहे हैं और इनको अलग अलग डिफ़ाइन करना ही मुनासिब होगा तो पहले मैं ऑडिट को डिफाइन करता हूँ ऑडिट क्या है इसको हम मरला वार देखते हैं ऑडिट है एक सिस्टमेटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन यानी एक बाबा तरीके से एक मेथोडिकल तरीके से और एक क्रिटिकल तनकीदाना नज़र से देखना क्या देखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अब आप ये जानते हैं कि जो भी हिसाब किताब की किताबों में लेजर जर्नल इनमें लिखा जाता है उसकी बुनियाद किसी न किसी एविडेंस या शहादत पे होती है मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है नकद खरीदी है तो एक कैश मेमो होगा तो वो कैश मेमो जो है वो एविडेंस है इन चीज़ों को कहते हैं हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स तो जब आप अकाउंट्स देखते हैं तो उसके साथ जो भी उनकी एविडेंस है उसको भी देखते हैं एविडेंस रिकॉर्ड्स

जो शख्स ये एग्ज़ामिनेशन कर रहा है उसका गैर जानबदार होना बहुत ज़रूरी है क्यों देखता है वो इसलिए देखता है ताकि वो इन हिसाब किताबों हिसाब किताब और उसके सपोर्टिंग एविडेंस को देख के एक राय दे सके टू गिव एन ओपिनियन किसके बारे में उन हिसाब किताब के बारे में और उस हिसाब किताब की बुनियाद पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की गई हैं उनके बारे में वो रिपोर्ट दे सके क्या रिपोर्ट दे सके वो सिर्फ एक ही रिपोर्ट देता है क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन अकाउंट्स के की बुनियाद पर तैयार की गई हैं क्या वो सही हैं या नहीं है तो आइए ब्रीफली देखते हैं कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या है इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन विद ए व्यू टू गिव एन ओपिनियन ऑन द एक्यूरेसी और अदरवाइज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब हम देखते हैं कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है ऑडिटिंग बतौर मजमून उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि वो तमाम इल्म और टेक्निक्स और तरीके और असूल जो एक ऑडिटर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है उन्हें भाषियत मजमुई हम कहते हैं ऑडिटिंग यानी जो ऑडिटर करता है जो काम या एक स्टेज ऑडिटर करता है उसे हम कहते हैं ऑडिट और वो काम करने के लिए जो वो इल्म इस्तेमाल करता है या टेक्निक्स इस्तेमाल करता है या जो तरीके और मैथड इस्तेमाल करता है उसे हम बात मज़मून कहते हैं ऑडिटिंग तो ये है जनाब ऑडिट और ऑडिटिंग की डेफिनेशन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ऑडिट की ज़रूरत क्या है भाई किसी ने हिसाब किताब रख लिए उन हिसाब किताब की बुनियाद पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना लिए क्या ये काफ़ी नहीं है इनको ऑडिट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई इसका तारीख़ी पस मंजर तो ये है कि जब सनती इनकलाब शुरू हुआ और कम्पनियाँ वजूद में आईं तो हुआ यूँ कि जो लोग कंपनियों के मालिक थे यानी शेयर होल्डर्स और वो लोग जो कंपनियों को चलाते थे यानी मैनेजर्स और डायरेक्टर्स वो अलग हो गए जहाँ तक तो मालिक अपने अकाउंट खुद चला रहा था उससे सब कुछ इल्म होता था कि उसके बिज़नेस में क्या हो रहा है लेकिन जब मलकियत और मैनेजमेंट अलग हो गई तो इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि मैनेजमेंट जो कुछ करती है उसके बारे में एक गैर जानेमदार राय ली जाए ताकि वो लोग जो मालिक हैं उनको सही सूरत हाल का पता चलता रहे और आजकल तो ये हो गया है कि एक कंपनी में या एक इदारे में सिर्फ मालिकों का ही इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनका उस कंपनी में इंटरेस्ट होता है या कंपनी के मामला से उन पर असर पड़ता है उन्हें हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स अब शेयर होल्डर्स तो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसके अलावा वो लोग जिन्होंने कंपनी को कर्ज़ दे रखा है मिसाल के तौर पर बैंक या दूसरे मालियाती अदारे या हुकूमत या कंपनी के अदारे के मुलाजमीन अब इन सब लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से बहुत फ़र्क पड़ता है लिहाजा ये ज़रूरी है कि इन लोगों को कोई गैर जानेबदार शख्स पता है कि जो कंपनी के हिसाब किताब रखे गए हैं और जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दुनिया के सामने रख रही है वो ठीक है अब अगर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप या स्टेक होल्डरशिप अलग है तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट से कहा जाए कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए और पेश करे अब ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनकी अफादियत उस वक़्त तक नहीं है जब तक ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दुरुस्त ना हों और उनके दुरुस्त होने के बारे में किसी गैर जानबदार शख्स ने फैसला ना दिया हो लिहाजा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और ये काम ऑडिटर करते हैं ऑडिट के मकसद क्या है वट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट ऑडिट के मकसद को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है द बुनियादी मकसद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या और सानवी मकसद सेकेंडरी ऑब्जेक्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट बुनियादी मकसद ऑडिट का यह है कि ऑडिटर हिसाब किताब और उसकी शहादतों को देख के एक ओपिनियन दे वो ओपिनियन ये भी हो सकती है कि हिसाब किताब सही हैं ये फाइनेशियल रिपोर्ट सही हैं और वो ओपिनियन ये भी हो सकती है कि ये सही नहीं है और इस इस तरह सही नहीं है दीज रिस्पेक्ट्स दे आर नॉट राइट लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट देता है बहरहाल दूसरा मकसद ये है कि जब ऑडिटर अपनी राय कायम कर रहा होता है तो उस मकसद के लिए उसे तमाम अकाउंट्स को बड़ी तफसीली तौर पर जाँचना पड़ता है और तमाम शहादतों को बौौर देखना पड़ता है तो इस प्रोसेस के दौरान ऑडिटर को वो तमाम गलतियाँ या खामियाँ या कमज़ोरियाँ भी नज़र आ जाती हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स में या कंपनी के अपने प्रोसीजर्स में हों तो ऑडिटर सानवी मकसद के तौर पर इन गलतियों की निशानदही भी मैनेजमेंट को कर देता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स या प्रोसीजर्स में ये ये खामियाँ मौजूद है लेकिन बहरहाल ये उसका बुनियादी मकसद नहीं है बुनियादी मकसद ऑडिट का यही है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अपनी राय का इज़हार करें अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग यानी ऑडिटिंग के फायदे सबसे पहली बात तो यह है कि अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं अकाउंट्स जिस भी मकसद के लिए बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं और इन अकाउंट्स की बुनियाद पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं उनका कोई मकसद हल नहीं होगा जब तक उन अकाउंट्स के सही होने के बारे में एक फैसला ना हो चुनाचा अकाउंट्स जब तक ऑडिट ना हो उन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा तो ऑडिटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तस्लीम कर लिया जाए दूसरी बात यह है कि जब ऑडिटर ऑडिट audit कर रहा होता है तो ऑडिट के दौरान अगर अकाउंट्स में कोई गलतियाँ हैं या कोई फ़्रॉड है, तो उनका पता लग जाता है देखिए ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड ही की गई हों और गलतियाँ सारी दानिस्त नहीं होती ना ग़ैर दानिस्त भी होती हैं तो ऑडिट के दौरान दानिस्त ना दानिस्त गलतियों और फ्रॉड्स का भी पता चलता है एक और फ़ायदा ऑडिटिंग का ये है कि एक नफ्सियाती प्रेशर पैदा करता है मैनेजर्स इम्प्लॉज़ अगर उन्हें पता हो कि हिसाब किताब की ऑडिटिंग होनी है और बड़े बात तरीके पे और बड़े सिस्टमेटिक तरीके पे होनी है तो वो खुद ही ऐसी गलतियां करने से इजनाव करेंगे और ख़ासकर फ्रॉड करने से इजनाव करेंगे क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में उन्हें सज़ा हो सकती है ऑडिटिंग के दौरान चूंकि इंटरनल कंट्रोल की खामियाँ नजर आ जाती हैं उससे इंटरनल कंट्रोल को बेहतर करने में मदद मिलती है तो ऑडिटिंग का एक फ़ायदा यह भी है कि ऑडिटिंग से हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स मजबूत हो जाते हैं ताकि अगले साल के अकाउंट्स ज़्यादा बेहतर तौर पर रखे जा सकें ऑडिटेड अकाउंट्स को तमाम स्टेक होल्डर्स मान लेते हैं उन्हें तस्लीम कर लेते हैं और उन, उनकी बुनियाद पर वो अपने फैसले कर सकते हैं अगर अकाउंट्स को भी माने नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुकूमत आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को माने नहीं तो वो आपके टैक्स रिटर्न को भी नहीं मानेगी इसी तरह अगर किसी बैंक ने आपको कर्ज़ दिया हुआ है तो वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उसे दें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड ना हो तो वो बैंक मानेगा ही नहीं कि जो आपने एसेट्स दिखाई हैं या लेबिलिटीज़ दिखाई हैं या जो कैश पोजीशन दिखाई है वो दुरुस्त हैं तो ऑडिट होने के बाद उन पर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये दुरुस्त हैं और इसलिए वो लोग जिनका स्टेक है इसमें उनको तस्लीम कर लेते हैं अगर अकाउंट्स में किसी किस्म का को कोई डिस्प्यूट हो कोई मसला हो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो ऑडिट की रिपोर्ट जो है इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के काम आते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ख़ास मौजू पर पे क्योंकि पेमेंट हो गई है या नहीं हुई है या कोई फलानी कॉन्ट्रैक्ट की अमलदारी जो है वो मुनासिब तरीके पर हुई है या नहीं हुई है इन चीज़ों पर डिस्प्यूट उठते हैं तो उस वक्त ऑडिटर की मदद ली जाती है और वो सारे हिसाब की जाँच जाँच करने के बाद देखने के बाद वो एक राय दे सकता है कि क्या चीज़ सही है या दुरुस्त है ये भी एक ऑडिटिंग का एक फ़ायदा है ऑडिटिंग बतौर और प्रोफेशन बहुत नोबल बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और इनफैक्ट ऑडिटिंग का अकाउंट्स में तकरीबन वही रुतबा है जो कानून में जज का है तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जिससे रबता या वास्ता रखना बात से इज्जत है ऑडिटिंग की वजह से वो लोग जो मालकान हैं शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स और वो लोग जो बिज़नेस चला रहे हैं डायरेक्टर्स या मैनेजर्स उनके दरमियान ऑडिटिंग की वजह से एक एतमाद और एक ट्रस्ट की फ़िज़ा कायम हो सकती है अगर ऑडिटिंग ना हो तो दोनों पार्टीज़ ऑडिटर्स और सॉरी मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स वो एक दूसरे के खिलाफ सोचते ही रहेंगे या कम अज़ कम उन्हें शकूक यहाँ वसव से होंगे लेकिन ऑडिट की मौजूदगी में ये ट्रस्ट ये गैर यकीनी कैफियतें ये ट्रस्ट की एबसेंस जो है इसको दूर किया जा सकता है वो कंपनियां जो अपने हिसाब किताब का बाबा तौर पर ऑडिट करवाती हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बड़ी जल्दी ले आती हैं ऐसी कंपनियों पर आवाम भी अतमाद करते हैं और इन्वेस्टर्स भी अहतमान करते हैं मिसाल के तौर पे आम कंपनियों को इजाज़त है कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के छ महीने के अंदर अंदर अपने अकाउंट्स शाया करें जबकि वो इदारे जिन पे अवा ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मिसाल के तौर पे बैंक्स या मालियाती इदारे इन कि ये कोशिश होती है कि जैसे ही साल ख़त्म हो वो अपने एनुअल अकाउंट्स और अपनी ऑडिट रिपोर्ट साल ख़त्म होने के एक महीने के अंदर अंदर शाया करते हैं क्योंकि जितनी तखीर से अकाउंट्स और ऑडिटेड स्टेटमेंट्स शाइ होंगी उतना ही लोगों का एतमाद जो है वो एरोड होता जाएगा तो ऑडिट रिपोर्ट की वजह से इन्वेस्टर्स का या आम पब्लिक का एतमाद कंपनी में बेहतर होता है और उससे कंपनी की इमेज इम्प्रूव होती है और एक ानवी Uh, फ़ायदा जो ऑडिटिंग का है वो ये है कि ऑडिटर्स जो कि अपने काम में माहिर होते हैं और उनको जांच पड़ताल का इंस्पेक्शन का इन्वेस्टिगेशन का और क्रिटिकल एग्जामिनेशन का तजर्बा तो होता है इनसे मदद दी जाए ली जा सकती है अपने सिस्टम्स डिज़ाइन करने में अगर कोई कंपनी नई शुरू हो रही हो या कंपनी में कोई नया डिपार्टमेंट शुरू हो रहा हो तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स या काम करने के तरीके वज़ा करने के लिए जब प्रोसीजर मैनुअल वगैरह बनाए जाएंगे तो उसमें ऑडिटर से मदद ली जा सकती है और चूंकि ऑडिटर्स को तजुर्बा होता है वो बेहतर राय दे सकते हैं ताकि सिस्टम शुरू से बने ही इतने अच्छे ताकि बाद में ऑडिट रिपोर्ट अच्छी ही आए एक बात जो अक्सर लोगों के जहन में होती है कि क्या ऑडिटिंग अकाउंटिंग का हिस्सा है या क्या अकाउंटिंग ऑडिटिंग का हिस्सा है या ये कि दो अलग अलग चीज़ें देखिए अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे हिसाब किताब रखने को कहते हैं।, हैं और उन हिसाब किताब यानी लेजर जर्नल इस किस्म की किताबों तो तो की बुनियाद पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने को कहते हैं टू कीप अकाउंट्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये काम किया जाता है मैनेजमेंट के लोगों से यानी अकाउंटेंट जो है वो मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होता है और अक्सर यह भी होता है कि अकाउंटेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स रखने के अलावा कंपनी के दीगर काम भी करता है फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी कंपनियों में जो फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस डायरेक्टर होता है